हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनमोल वचन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सिर्फ 3 दिन में गारंटीड गोरा कर देगा ये चमत्कारी नुस्खा। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। आज मैं आपको एक ऐसे जबरदस्त नुस्खे के बारे में बताने वाली हूँ जिसके प्रयोग से आप अपने चेहरे को टीवी स्टार की तरह पाएंगे, और वो भी विदाउट मेकअप के। जो ये गोरेपन की इच्छाएं होती है ये सबकी होती है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, हर कोई चाहता है कि वो सबसे सुंदर दिखे। तो आज का जो मैं नुस्खा आपको बताने वाली हूँ ये इतना सेफ है कि आप छोटे बच्चे के कालेपन को भी हटा सकते हैं। लेकिन इस नुस्खे को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को अंत तक देखना होगा आपको, जिससे आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके और आप इसका पूरा पूरा फायदा भी उठा सके। तो आइए जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता है। इसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच नीम फेस वॉश। आप कोई भी नीम फेस वॉश का यूज कर सकते हैं। नीम फेस वॉश ब्लड को प्योरीफाई करने के काम आता है और ये चेहरे से पिंपल्स और स्पॉट्स को हटाने में भी काफी सहायक होता है। 1 चम्मच गुलाब जल। गुलाब जल हमारी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये हमारे चेहरे पर से धूप से हुए कालेपन को हटाता है और एक गुलाबी झलक छोड़ देता है। 1 चम्मच ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारी त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये हमारे स्किन को नमी प्रदान करता है और हमारे स्किन को मुलायम और खूबसूरत गोरा भी बना देता है। अब इसमें मिलाना है 1/2 नींबू। इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और साथ ही इसमें इलेक्ट्रिक एसिड्स भी पाया जाता है, जो कि स्किन के डार्क स्पॉट्स और अन्य निशानों को हटाने में काफी कारगर है। नींबू आपके चेहरे के रंग को भी गोरा करता है। राइस फ्लोर यानी चावल का आटा। चावल का आटा आपकी स्किन के कालेपन को दूर करके आपकी स्किन को काफी गोरा बना देता है। तो आइए अब जान लेते हैं इसे बनाने का विधि क्या है। अब आप एक बाउल लें और उसमें एक एक करके सभी इंग्रेडिएंट्स यानी नीम फेस वॉश, गुलाब जल और ग्लिसरीन को डालें और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप 1/2 नींबू लें और उस पर थोड़ा सा चावल का आटा डालें। अब जान लेते हैं इसे यूज कैसे करना है। सबसे पहले आप एक नींबू को 2 हिस्से में काट लें। अब उस नींबू को चावल के आटे में डिप करें और उसको लें अपनी स्किन पर। हल्के हल्के हाथों से 4 से 5 मिनट के लिए स्क्रब कीजिए और फिर आप अपने फेस को गुनगुने पानी से वॉश कर लीजिए। फेस को वॉश करने के बाद आप इस मिक्सचर को एक कॉटन की हेल्प से 8 से 10 मिनट तक मालिश करते हुए लगाएं। मालिश करने के बाद आप इसे 20 मिनट तक के लिए ऐसे ही लगा रहने दें और फिर ताजे पानी से अपने चेहरे को धो लें। इस नुस्खे से आपको बहुत ही अच्छा निखार मिलने वाला है, लेकिन आपको इसे हफ्ते में 3 ही रात लगाना है, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही यूज करना है। ये बहुत ही सस्ता, अच्छा और सफल उपाय है। इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल अनमोल वचन को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।